हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पागल बॉलीवुड। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की न्यूज़ों के बारे में और चलते हैं बॉलीवुड की गलियों में। गुजरात दंगों पर फिल्म गुजरात फाइल्स बनाएंगे विनोद कापड़ी। पीएम मोदी से पूछा, रिलीज तो नहीं रोकेंगे ना। कश्मीरी पंडितों पर बनी विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स का दंगा इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी गूंज रहा है। फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। अब बॉलीवुड के अन्य निर्देशक विनोद कापड़ी गुजरात फाइल्स नाम से अपनी अगली फिल्म बनाने के लिए तैयार हैं। इसे लेकर उन्होंने ट्वीट भी किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा है कि पीहू मिस ठनकपुर हाजिर हूँ जैसे फिल्में बना चुके विनोद कापड़ी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने इस ट्वीट में टैग करते हुए कहा है, गुजरात फाइल्स के नाम से मैं तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर फिल्म बनाने को तैयार हूँ और उसमें आपकी भूमिका का भी सत्यता से विस्तार से जिक्र होगा। क्या आप आज देश के सामने मुझे भरोसा देंगे कि फिल्म की रिलीज नहीं रोकेंगे? नरेंद्र मोदी जी। सेकेंड इज शाहरुख खान OTT की दुनिया में धमाल मचाने आ रहे हैं किंग खान शाहरुख खान। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने दी शाहरुख को बधाई। शाहरुख खान ने मंगलवार को अपने खुद के OTT ऐप की घोषणा की है जिसका नाम SRK+ है। उन्होंने सोशल मीडिया पर यह घोषणा की है और एक इंस्टाग्राम पोस्ट में SRK+ लोगों के साथ उनकी तस्वीर दिखाई गई है। उन्होंने अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, कुछ कुछ होने वाला है OTT की दुनिया में। हालांकि उन्होंने डिजिटल माध्यम से इस आगामी उद्यम के बारे में और अधिक जानकारी नहीं दी है। शाहरुख के OTT अनाउंसमेंट पर आ चुके हैं भाईजान सलमान खान का रिएक्शन। उन्होंने इस न्यूज़ पर खुशी जाहिर करते हुए शाहरुख खान को बधाई दी है। थर्ड इज बॉलीवुड फिल्म स्टार आलिया भट्ट और निर्देशक संजय लीला भंसारी की हालिया रिलीज फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी सिल्वर स्क्रीन पर तहलका मचा रही है। इस फिल्म से दर्शकों को बेपनाह प्यार मिला है। फिल्म ने रिलीज के चंद ही दिनों में ताबड़तोड़ कमाई करते हुए 117 करोड़ रुपए की कमाई की है। इसके साथ ही यह फिल्म हिट का तमगा हासिल कर चुकी है। खास बात यह है कि कमाई की इस रेस में फिल्म ने निर्देशक संजय लीला भंसारी की ही पिछली 4 फिल्मों को पटकनी दे दी है। बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण ने रणवीर सिंह स्टारर फिल्म निर्देशक संजय लीला भंसारी की हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म। इस फिल्म ने रिलीज के बाद थिएटर से 302 करोड़ रुपए जुटाए थे। वहीं बात करें तो आलिया रिलीज अदाकारा स्टारर फिल्म निर्देशक संजय लीला भंसारी की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी ने बम्पर कमाई करते हुए अपने खाते में पूरे 117 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। इसके साथ ही यह फिल्म इस लिस्ट में तीसरे बम्पर नंबर पर है। आलिया भट्ट स्टारर फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी ने इस लिस्ट में धमाकेदार एंट्री मारते हुए रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण ने स्टारर फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला को पीछे छोड़ दिया है। इस फिल्म ने थिएटर से 116 करोड़ रुपए जुटाए थे। देवदास की बात करें, निर्देशक संजय लीला भंसारी के करियर की हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म की लिस्ट में 5वें नंबर पर शाहरुख खान ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित स्टारर फिल्म देवदास है। इस फिल्म ने थिएटर से 6 दिन 41 करोड़ रुपए बटोरे थे। फोर्थ इज इस ईद खाली थे सलमान तो फैंस को ईदी देने की खातिर अजय देवगन से कर डाली रिक्वेस्ट। सलमान खान ने अजय देवगन को ईद 2022 दे दी है। सलमान खान ने ट्वीट कर बताया है, मैंने अपने भाई अजय देवगन से रिक्वेस्ट की है। सलमान खान और ईद एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। ईद के मौके पर भाईजान अपनी कोई फिल्म जरूर लेकर आते हैं और फैंस को ईदी देते हैं, लेकिन इस ईद पर भाईजान खाली थे क्योंकि उनके सारे प्रोजेक्ट अभी पाइपलाइन में हैं। इस तरह सलमान खान ईद पर अपने फैंस को कुछ ना कुछ तो
ईदी के तौर पर देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अजय देवगन से उनकी फिल्म ईद पर रिलीज करने के लिए रिक्वेस्ट कर डाली। भाईजान की इस रिक्वेस्ट को अजय देवगन कैसे नज़रअंदाज कर सकते थे। अब बॉलीवुड सिंघम अपनी फिल्म रनवे 34 को ईद 2022 पर रिलीज करने जा रहे हैं। फिफ्थ इज बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान ने एक दिन पहले 14 मार्च 2022 को अपना 55वां बर्थडे सेलिब्रेट किया है। इस मौके पर मशहूर फिल्म मेकर राजकुमार संतोषी भी आमिर के पास बधाई देने पहुंचे। कहा जा रहा है कि संतोषी जल्द ही आमिर के साथ एक बार फिर काम करते नजर आएंगे। आमिर और संतोषी ने सुपरहिट कॉमेडी फिल्म अंदाज अपना अपना में साथ काम किया था। इस फिल्म को अभी भी काफ़ी पसंद किया जाता है। राजकुमार संतोषी ने एक न्यूज़ रिपोर्ट में बताते हुए कहा है कि वह अलग अलग मौक़ों पर आमिर से मुलाकात करते रहते हैं। कुछ समय पहले दोनों की मुलाकात दिल्ली में हुई थी। संतोषी ने बताया है कि वह आमिर को जन्मदिन की मुबारकबाद देने पहुंचे, लेकिन वह केवल एक फैमिली गेट टुगेदर था, इसलिए उन्होंने फिल्मों पर कोई बात नहीं की। हालांकि दोनों ने उन दिनों ज़रूर याद किया जिन दिनों में उन्होंने अंदाज अपना अपना में काम किया था।